गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि कल आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल, एक सवाल हमने या दो पराशर्द आपके बताए। मैंने कहा था आपको पहले सबसे पहले मोलरता, नॉर्मलता, मोललता और मोल फ्रैक्शन के बताए, उनमें से किसी को पूछना हो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको फार्मूला बता दें पी बराबर डब्ल्यू बटे एम बी आर बी। इस पर हमने कल एक सवाल बताया पराशर्द का। अगर आप इसमें पराशर दाब की अपेक्षा m पूछेगा तो m बराबर हो जाएगा डब्ल्यू आर टी अपॉन पी बी। मतलब कुछ भी पूछेगा इन तीन तीन छह में तो आप पक्षांतर करके निकाल लेंगे। ऐसे अगर ये आपको नहीं आता है तो इसके आगे अब आपको हम सवाल पढ़ाएंगे राउल्ट लॉ। राउल्ट नियम का एक फॉर्मूला होता है स्मॉल m बटे स्मॉल m प्लस कैपिटल m पी माइनस पी जीरो अपॉन पी जीरो इक्वल। इस पर आज काम करेंगे। इसके बाद क्वथनांक संबंधी फार्मूला होता है। क्वथनांक की बात करेगा तो कन्फर्म है, हमने थ्योरी लिखा है, उन्नयन शब्द जरूर आएगा। क्वथनांक की बात करेगा तो उन्नयन शब्द जरूर आएगा और मोलर अगर शब्द कहेगा तो 1000 गुणा के बी गुणा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी गुणा कैपिटल डब्ल्यू। इस पर बात होगी। अगर हिमांक की बात करेगा, हिमांक की चर्चा होगी तो अवनमन की बात जरूर करेगा। किसकी? अवनमन की। अगर अवनमन की बात करेगा तो अवनमन में एक बात है मोलल शब्द आएगा तो उसमें भी फार्मूला एम बराबर 1000 गुणा के एफ गुणा स्मॉल डब्ल्यू बटे डेल्टा टी गुणा कैपिटल डब्ल्यू। सेम हिमांक में अवनमन शब्द आएगा और क्वथनांक में उन्नयन शब्द आएगा। कन्फर्म मोलल जहां पर दिया होगा तो 1000 आएगा, जहां मोलल ना देगा अगर मोलर दे देगा तो उधर फार्मूले में 100 हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। कहीं कहीं मोलर ना देके घुमा के ऐसे पूछ देगा ग्राम अड़क उन्नयन स्थान। तो ग्राम अड़क का मतलब ही आप समझ जाना कि मोलर की बात कर रहा है। परिभाषा भी लिखवा है हमने ग्राम अड़क 100। तो आपके सिलेबस में नेट पर देखा शायद कि वन ग्राम गुणांक को सॉल्यूशन चैप्टर में दिखाने का कह रहा है, इस साल के लिए मैंने सिलेबस से हटा दिया गया शायद। तो आपके पहले चैप्टर में जो कल फार्मूले 4 बताए, 1 2 3 4 फार्मूले और बचे, इन सब पर आज काम करते हैं। जिसको जो समझ में आए पूछ सकते हैं, हम अभी प्रत्येक फार्मूले पे एक उदाहरण देंगे, आप ग्राम लगाएंगे तो हमसे पूछेंगे। फार्मूले सबने नोट कर लिए, सबको पता है m अणुभार है, 1000 के बी मोलल उन्नयन स्थिरांक है, स्मॉल w विलेय पदार्थ की मात्रा है, डेल्टा t क्वथनांक में अंतर है, कैपिटल w ब्लैक की मात्रा है। ठीक है, सेम राउल्ट का मालूम है, राउल्ट का नियम सबको मालूम होगा। वाष्प दाब के अपेक्षित अनमन विलयन के विलय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। चलो पराशर दाब का कल एक बताया था परसेंटेज वाला। हाँ, थोड़ा दूसरी तरह का पराशर दाब का एक सवाल बोलते हैं, लिखिएगा जिसमें और कुछ पूछ रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा वो। ठीक है, नोट कर लीजिए, लिखिए। कह रहा एक कार्बनिक पदार्थ के 1%, सवाल कह रहा है एक कार्बनिक पदार्थ के, एक कार्बनिक पदार्थ के 1%, एक कार्बनिक पदार्थ के 1% जली विलयन का 27 डिग्री सेल्सियस पर, जली विलयन का 27 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब, 27 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब 546.7 मिली, परासरण दाब 546.7 मिली, 546.7 मिमी पाया गया। विलयन स्थिरांक की गणना कीजिए, पाया गया विलयन स्थिरांक की गणना कीजिए, विलयन स्थिरांक की गणना कीजिए
और लास्ट में 1 मिमी बराबर 760 मिमी होता है। क्लियर। 1 मिमी बराबर यानी 1 वायुमंडल बराबर 760 और अणु भार 342। 1 एटीएम बराबर या 1 वायुमंडल बराबर 760 मिमी और सवाल में ही अणु भार 342 दिया यानी चीनी का सूत्र का दिया। ठीक। इससे हमें आपको एक सूत्र मैंने लिखवाया पी बराबर डब्ल्यू बटे एम बी आर यही भी लिखवाया। हमसे आर पूछा है पक्षांतर करना आता है पी इज इक्वल पक्षांतर कर लो पी गुणा एम बी इक्वल डब्ल्यू आर टी आर आगे आ जाएगा तो पी एम बी बटे डब्ल्यू टी आर पूछा है वैल्यू रख दो पी का मान बेटा 546.7/760 क्योंकि 1 एटीएम बराबर 760 मिमी होता है 760 एम 342 वी आपका दिया है आयतन नहीं दिया है। कह रहा है एक कार्बनिक पदार्थ के 1% जली विलयन जब भी परसेंटेज में जली विलयन देता है तो आयतन 0.1 क्यों मैंने बताया वी बराबर 100/1000 परसेंटेज में पॉइंट बना दिया परसेंट में दिया बटे डब्ल्यू का मान 1 दिया और टी का मान 27 डिग्री सेल्सियस तो टी बराबर 27+273 तो 300 कैलोरी 300 रख दिया 1.0 हटाओ एक ये 2 जीरो बढ़ा दो। ठीक है। आर बराबर ऐसी संख्या आ गई कि 342 लगभग 743 6 46 80 बहुत कम है इसको हमें काटना है 8 से कट जाएगा इन सबको हल कर लेना आर बराबर 0.082 आ जाएगा लीटर इंटू वायुमंडल डिग्री प्रति मोल नोट कर सकते डिग्री प्रति मोल। पराशर दाब का कोई भी सवाल हो आपको पी पूछे तो ये डब्ल्यू एम बी आर कुछ भी पी पूछे पक्षांतर करके आप निकाल सकते हैं। अगर कोई भी सवाल में प्रॉब्लम है नहीं समझ में आ रहा आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्वथनांक की और हिमांक की। एक सवाल क्वथनांक के लिए कह रहा है और हिमांक क्वथनांक और हिमांक में डिफरेंट जो है वो देखिए क्या है। सवाल एक बोलने जा रहे हैं लिखिए क्वथनांक के लिए फिर बाद में हिमांक के लिए। देखो पहला सवाल 6 ग्राम यूरिया को समझ में आ गया। दूसरा लिखो 6 ग्राम यूरिया को 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में 200 ग्राम जल में 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में जल के क्वथनांक में जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए उन्नयन की गणना कीजिए क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए उन्नयन की गणना कीजिए और जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक 0.52 दिया है। मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी केवी 0.52 सवाल में दिया है। केवी 0.52 किलोग्राम इंटू मोल किलोग्राम प्रति मोल ये आपको दिया है। इसको लगाना ध्यान से सॉल्यूशन दिया आपको कहा है क्वथनांक का या हिमांक का 6 ग्राम यूरिया और 200 ग्राम जल जब दो वैल्यू ग्राम में दी हो तो जो वैल्यू का मान कम होता है वो स्मॉल डब्ल्यू होता है क्योंकि वो सॉल्वेंट यानी विलय का कार्य करता है और जो ज्यादा होती है वो सॉल्यूट होता है वो विलायक का काम करती है। ठीक। तो स्मॉल डब्ल्यू आपकी 6 ग्राम दिया है कैपिटल डब्ल्यू 200 ग्राम दिया है। ठीक है। यूरिया की बात कर रहा है एम बराबर यूरिया का अणु भार आपका बेटा 60 आ जाएगा सूत्र NH2CO NH2 होता है
निकाल लेंगे यूरिया कड़ूबर 60 आ जाएगा। स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू एम मिल गया। के बी का मान दिया आपको 0.52। क्या जल के क्वथनांक में पुण्य की गणना करना है, क्वथनांक माने आपसे क्या पूछा बेटा, डेल्टा टी पूछा। फॉर्मूला क्या होता है, सवाल में कहीं मोलर शब्द नहीं आया, अगर मोलर शब्द या मोलर शब्द ना आए तो हमें हजारी वाला सूत्र लगाना, लेकिन ये क्लियर है कि उन्नयन शब्द आ गया और क्वथनांक आ गया। अगर शब्द उन्नयन ना आए केवल क्वथनांक शब्द आ जाए तो भी आप समझ जाएंगे कि उन्नयन के लिए है, अगर क्वथनांक शब्द ना आए उन्नयन आ जाए तो भी समझ जाएंगे कि क्वथनांक के लिए। क्लियर। सूत्र एम बराबर 1000 गुणा के बी गुणा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी कैपिटल। पक्षांतर करोगे तो डेल्टा टी आगे आ जाएगा 1000 गुणा के बी गुणा स्मॉल डब्ल्यू बटे एम गुणा कैपिटल। तो डेल्टा टी पूछ रहा है 1000 के बी 0.52, स्मॉल डब्ल्यू 6 ग्राम, एम 60, कैपिटल डब्ल्यू 200। दशमलव हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, 1000 3 जीरो से 3 जीरो हटा दो, 6 से 60 काट दो 10 आ गया, 2 से 52 काट दो 26 आ गया। ठीक है, यहां पर 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 6 दशमलव 60, यहां पर 1 जीरो और बचा 100 हो गया नीचे। तो डेल्टा टी इक्वल आ गया 26/100, तो डेल्टा टी आ गया 0.26 डिग्री सेल्सियस। आया समझ में, उतार सकते हैं आप लोग, जाना समझ में पूछ ले, ठीक है, नोट करें। ठीक, आगे देखिए बेटा, सेम उसी की तरह एक और सवाल बता दें। हमने कहा इसको क्यों बताने के लिए, क्योंकि ग्लूकोज के 12 ग्राम 100 ग्राम जल में, ग्लूकोज के 12 ग्राम 100 ग्राम जल में घुले हैं, इस फ्लेम का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है। 100.34 डिग्री सेल्सियस जल के मोलर स्थिरांक के बी की गणना कीजिए। इसलिए आप कभी भी टेम्परेचर अगर 100 से ऊपर देगा तो आप कैसे लगाएंगे, देखिए, देखो उसने क्वथनांक भी कह दिया और मोलल भी कह दिया। फार्मूला आपको मालूम, मोलल एम बराबर 1000 गुणा के बी गुणा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी गुणा कैपिटल डब्ल्यू, यही होगा फार्मूला। पक्षांतर कर देंगे तो के बी आगे आ जाएगा एम गुणा डेल्टा टी गुणा कैपिटल डब्ल्यू अपॉन 1000 स्मॉल डब्ल्यू नीचे। अब वैल्यू स्मॉल डब्ल्यू आपकी 12 ग्राम है, कैपिटल डब्ल्यू 100 ग्राम है, डेल्टा टी 100.34 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमें मालूम है वाटर या कोई भी पदार्थ जल को हम 100 डिग्री सेल्सियस हीट करते हैं, जब भी 100 डिग्री सेल्सियस ऊपर कितना भी हीट होता है उसको 100 से सब्सट्रैक्ट यानी घटा देते हैं तो 0.34 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी आता है, यानी जब भी डेल्टा टी 100 से ऊपर देगा तो उसको तुरंत कितने से घटा देंगे, 100 से घटा देंगे, शेष आ जाएगा, सब मान मिल गए, ग्लूकोज का एम बढ़ हमारे 180 होगा, C6H12O6 ग्लूकोज का अणु निकालें कितना आएगा 180। डेल्टा टी 0.34 कैपिटल डब्ल्यू 100 1000 गुणा स्मॉल डब्ल्यू 12। दशमलव हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, 2 जीरो तो 2 जीरो खत्म कर दो, 12 से काट दो 180, 12 एक कम 12, 6 बचे 12, 5 6 60। ठीक है, अब 50, 5 से काट दो 5 3 15, 5 दूनी 10 200। अब आप 100 से काट 10 से काट दो 17 दूनी 34, 100 दूनी 200, 17 दिया 51 बटे 100, 100 के बाद 51 में हो गए 0.51। ठीक है, के बी बराबर आ गया 0.51 किलोग्राम प्रति मोल। आ गया समझिए, अगर आपको क्वथनांक इस तरह का देगा, कुछ भी पूछे, डाटा निकाल लो, अगर टेम्परेचर 100 से ऊपर देगा तो उसको 100 से घटा के शेष निकाल लेंगे,
ये बात होगी हमारे ग्लूकोज और क्वथनांक के लिए, उनमें भी। अब आगे आपको बताने जा रहे हैं हम हिमांक की बात करेगा, और क्लियर है हिमांक में अगर मोलर कहेगा तो 1000 लगेगा, मोलर कहेगा तो 100 लगेगा, ठीक है। तो एक आप हिमांक का देख ले, फिर राहुल का देख ले, आप सारे सवाल लगाए जो ना है फिर पूछे, ठीक है। तो देखें एक हिमांक का बता दें, देखिए आगे, जैसा कि अभी आप क्वथनांक के सवाल कर रहे हैं तो उसमें पहचान था क्वथनांक और उन्नयन शब्दांतर। अब देखो क्या कह रहा है, 9 ग्राम ग्लूकोज और 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, मोलल अवनमन, यहाँ पर अवनमन मोलल अवनमन स्थिरांक के एफ की गणना कीजिए। देखो स्थिरांक आपको अगर हिमांक शब्द ना होगा तो उसमें अवनमन शब्द जरूर होगा, तो अवनमन शब्द से पहचान लेंगे कि हिमांक की बात कर रहा है। अगर अवनमन नहीं होगा तो उन्नयन होगा, उन्नयन शब्द होगा तो वहां पर क्वथनांक की बात करें, क्वथनांक ना हो उन्नयन जरूर होगा, अगर हिमांक ना हो तो अवनमन जरूर होगा, क्लियर। अब इस पर चर्चा करते हैं। देखो भैया सबसे पहले स्मॉल डब्ल्यू आपको 9 ग्राम दिया है, कैपिटल डब्ल्यू 100 ग्राम दिया है, गोले में हिमांक 0.5 डेल्टा टी बराबर 0.9 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी की वैल्यू 100 से ऊपर होती है इसको 100 से घटा के हम लोग डेल्टा टी निकालते, क्लियर। कभी भाई मोलर यानी के एफ की आपसे गणना पूछी है, ग्लूकोज कहा है तो C6H12O6, ग्लूकोज कारोबार 180 है, इससे हमें एम मिल जाएगा, सारा डाटा मोलल कह रहा है स्पष्ट, तो आपको मोलल बराबर सूत्र होता है एम बराबर 1000 गुणा के एफ गुणा स्मॉल डब्ल्यू बटे डेल्टा टी गुणा कैपिटल डब्ल्यू। ये तो पता ही के एफ होता है हिमांक में, के भी होता है उन्नयन में, ठीक है क्वथनांक में, तो के एफ पूछ रहा है तो आगे आ जाएगा एम गुणा डेल्टा टी अपॉन कैपिटल डब्ल्यू बटे 1000 गुणा स्मॉल के एफ इक्वल वैल्यू एम की 180, डेल्टा टी की 0.93, कैपिटल डब्ल्यू बेटा 100 ग्राम, 1000 गुणा स्मॉल डब्ल्यू 9 ग्राम, 0.5 हटा के 20 नीचे बढ़ाए सीधे सीधे 100 900 हो गया, 9 से काटा 180 तो 9 दूनी 18 20 आ गया, 10 से 0 कट गया, 2 3 6 हो गया, 2 9 18 हो गया, बटे 100 बचा नीचे, 100 का भाग दे देंगे तो के एफ बराबर आ गया 1.86 मात्रक इसका होता है किलोग्राम प्रति मोल। अब आप चाहें तो हिमांक का क्वथनांक का कोई भी सवाल लगा सकते हैं, जो सवाल ना आए आप पूछ सकते हैं, ठीक है, उतार लीजिए जो प्रॉब्लम हो हमें बताएं, तुम फिर हम आगे और लगवाएं, ठीक है। हाँ राहुल अलाउन मेज गई जाए। देखो आगे आपको हमने कहा था एक फार्मूला और बचा राहुल टला, राहुल टला पे आप बता दें, इससे पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल हो जाते हैं, इनमें से जो आपको ना आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कह रहा 18 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम जल में विलीन करने पर 20 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब 17.53 मिमी से घटकर 17.22 मिमी हो जाता है, ग्लूकोज का अणुभार ज्ञात कीजिए। फार्मूला होता है P0 - PS/P0 इक्वल स्मॉल एम बटे स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ये उत्तर राहुल डला, ठीक है। अब आपको पता है कैपिटल एम बटे कैपिटल प्लस में इससे इक्वल होता है एन अपॉन कैपिटल एम होता है, जब ये कट जाता है इससे इक्वल फार्मूला आपको मैं लिखवा है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम बटे कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम, ठीक।
तो पी जीरो की वैल्यू आपको बता दें, पी जीरो की वैल्यू हो जाएगी 17.53 जो पहले है, माइनस पी एस की 17.22 अपॉन पी जीरो की 17.53 इक्वल। अब स्मॉल डब्ल्यू अपॉन, यहां क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम, स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्ल्यू अपॉन, यहां स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। सूत्र होता है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। जब आप सीधे सीधे ऐसे देखते जैसे स्मॉल डब्ल्यू अपॉन, ऐसे लिखा है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, फिर बटे कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम, बार बार गुणा करोगे तो स्मॉल डब्ल्यू गुणा कैपिटल एम बटे अंदर अंदर स्मॉल एम गुणा कैपिटल एम। क्लियर? इधर देखो बार बार अंदर अंदर रख दिया। अब हमें हल करना है 17.53 से 17.22 घटाना, कितना बचेगा, बचेगा 17.53 से 17.22, 3 से 2 गए 5 से 2 गए 3.00, यानी 0.31 बटे 17.53 पर स्मॉल डब्ल्यू 18 ग्राम गुणा कैप और एम कितना दिया है, ग्लूकोज का अणुभार पूछा है और जल का वाष्प दाब, जल का अणुभार 18, एम आपसे पूछा है कैपिटल डब्ल्यू 100 ग्राम। देखो ध्यान से, स्मॉल एम आपसे पूछा है, ग्लूकोज का अणुभार स्मॉल एम कैपिटल पूछा है। तो अब आपको पता है दशमलव दशमलव हल कर लो, 31/1753 बराबर 18 बराबर 324 होता, 324/100 m, कैची गुणा करोगे तो 100 m बराबर 324/1753 बटे में 31 आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा 324/1753 बटे 31/100। इनको जब हल कर लोगे, काट पीट लो, एम बराबर पूरा पूरा 183 आ जाएगा, अणुभार का कोई मात्रक नहीं होगा। अब सॉल्यूशन में सारे फार्मूले के प्रत्येक मेथड का हमने एक एक दो दो सवाल बताया आपको, पर्सनल जो सवाल ना आए आप तुरंत पूछ सकते कमेंट्स करके। धन्यवाद।